जी हनी भाई, आप मुल्तान से आ गए हैं? जी, मैं आ गया हूँ। बैठे बैठे तशरीफ रखे हैं। आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे। छोटे दो नहीं यार, बल्कि ज्यादा ही ले। आज आम ज्यादा ही हुई है। अच्छा तो यार, सीन कुछ ऐसे था कि मुल्तान का जो डे टू था वो मेरा, उसके अंदर काफी चीजें जो थी मैंने कवर अप की। तो मुल्तान गए और खुर्शीद के नान ना खाए तो फायदा, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये आ गया कि जब हम खुर्शीद वालों के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे मतलब कैमरा वैमरा तो कोई अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप ना करें। मतलब नान हमने ले लिए लेकिन हमने शूट नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे खुर्शीद वालों के बाद एक ढाका वाले भी हैं जिनके नान, वन ऑफ द फाइनेस्ट नान इन द कैंटेरिया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग निकले, तो मैं मतलब ऐसे ही रैंडमली उठा तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि ब्रो, अगर आपने मतलब शूट करना चाहते हैं यहाँ पे सेंट मेरी द वर्जिन कैथेड्रल चर्च है। मुल्तान डे टू, और आज की अपडेट कुछ ऐसे है कि आज हमें साउदर्न पंजाब, वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन मुल्तान कैथेड्रल, विजिट करने का मौका मिला है। लॉकडाउन की सिचुएशन थी, सब कुछ बंद था, लेकिन हमारी खातिर वो खोला गया है। तो इतना बड़ा मौका मिले और हम जाए ना, ये कैसी बात है। मैं एक्चुअली रेडी हो गया हूँ यार, लेकिन मैं इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ अपने कज़न्स का, ठीक है, जिनकी तरफ मैं आया हूँ। और मुझे ये डर है कि अभी इस वक्त लाइट जो है वो कम हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अभी तकरीबन 5:33 हुए हैं, तो उम्मीद तो बहुत है कि हम तकरीबन एटलीस्ट 7 बजे से पहले पहले जो है वो चर्च का सारा शूट करके डन करके तो वापस आ जाएँ। यार मेरा एक कज़न है, ठीक है, और वो काले शलवार कमीज पहन के इस वक्त फुल्ली चीसा लग रहा है भाई। यार लड़का जो है ना शर्मा गया थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा लड़का शर्मा जाता। ब्रिटिश एम्पायर ने जब पाकिस्तान पर हमला करना था, तो जब वो मुल्तान की सरजमीन पर पहुंचे और उन्होंने जब हमला करने से पहले जहां पे बैठ के वर्शिप की थी कि आए खुदा हमारी हेल्प कर, ठीक है, तो वहां से जब वो उठ के वापस गए और जब जंग फतह कर रहे अपनी, तो उन्होंने जिस जगह पे आके थैंक्स गिविंग की थी उस जगह पर आज वो चर्च बिल्ड है। सो दिस इज़ द मास्टर पीस ऑफ आर्ट्स इंडीड। इस चर्च की आर्किटेक्चरिंग जो है वो इतनी फेबुलसली अमेजिंग है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है जो चर्च अपने अंदर लिए बैठा है, इट इज़ लिटरली स्पीचलेस। जब ब्रिटिश एम्पायर ने हमला करना था अपने दुश्मनों पर और जब वो मुल्तान में आए थे, तो उन्होंने हमला करने से पहले, फतह करने से पहले इसको यहाँ पर बैठ के वर्शिप की थी, और जब उन्होंने फतह कर लिया उसके बाद जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये चर्च उन्होंने बिल्ट अप किया। और मुल्तान से रिलेटेड कुछ ऐसा सीन है कि यार मुल्तान इज़ द सिटी ऑफ सेंट्स, और जो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रिश्चियन सेंट थे उनका नाम सेंट थॉमस था, और इसी के साथ साथ यहाँ से इवेंजलिज्म का आगाज़ हुआ।
यार मैं बहुत से कैथीड्रल घुमा हुआ हूँ, लाहौर वाला कैथीड्रल घुमा हुआ हूँ, और इसके अलावा मैंने अभी जो है अपना जो गिरजा चौक वाला कैथीड्रल है वो भी घुमा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने हिस्ट्री इस चर्च के अंदर देखी है वो मुझे लिटरली कहीं और देखने को नहीं मिली। यहाँ पे जो भी प्रेजेंट बिशप हैं उनका नाम बिशप लियो पॉल साहब है, और वो इस चर्च के बेसिकली उनका जो बिशप हाउस है वो इस चर्च के अंदर वाली साइड पे है। और इस चर्च की तरफ जब मैं चारों तरफ घूमा हूँ यार, तो एक मतलब एक डिफरेंट वाइब आती है आपको। इट्स लाइक टोटली ब्यूटीफुल वाइब्स जो आपको आ रही होती हैं इस टाइम पे, इट्स लाइक टोटली अमेजिंग। और इसके तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 गेट हैं, मेन जो गेट हैं, ठीक है 4-5 गेट्स हैं, लेकिन जो मेन गेट है वो एक ही है। और अच्छा यार, अब मैं आपको एक और चीज़ से मिलवाने जा रहा हूँ यार। क्या नाम है इसका? हे ब्रूनो, अब हम ज़रा ब्रूनो से मिल रहे हैं। हे ब्रूनो, काटेगा तुम्हें? ना पक्की बात है? कंफर्म्ड है? हाथ लगा लूं? ब्रूनो, सो क्यूट यार। हे ब्रूनो, '1848 में इस चर्च की बुनियाद रखी गई, और मुल्तान जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं मुगल एम्पायर से लेके जो इंग्लिश एम्पायर्स तक, काफ़ी बड़ी एक हिस्ट्री लेके अपने अंदर बैठा हुआ। सो अभी तक का जो मेरा विजिट था वो यही था। सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी वहाँ पे कि जब मैं वहाँ पे शूट कर रहा था तो मेरी मतलब जब मैं जैसे जैसे मैंने स्लोमो शॉट्स लिए, जैसे जैसे मैंने हाइपरलैप्स लिए, मेरी एक जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स थे वो चीज़ों को लेके बदलते गए। आई वॉज लाइक कि यार इतना कुछ इस चर्च ने अपने अंदर रखा हुआ है, आर्किटेक्चरिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उसको डिज़ाइन कैसे किया गया था, इट वॉज लाइक टोटली एस्टोनिशिंग जेन्युइनली। मतलब आपकी वाइब्स ही फ़र्क हो जाती है यार वहाँ पे जाके। तो अगर आप में से कभी भी किसी का मतलब जाना हुआ मुल्तान, तो उस जगह को लाजमी विजिट करना, इट वॉज वर्थ विजिटिंग। तो और उसके बाद क्या किया, हाँ वो करने के बाद जो था शूट वगैरह वहाँ पे किया, ठीक है, उसके बाद मैं घर आया और आके सुकून से सोया क्योंकि अगले दिन मुझे वापस निकलना था। और अब हम आ गए हैं लाहौर, ठीक है, आपके पास। तो अब दोबारा हम मतलब वैसे ही डेली व्लॉग्स हुआ करेंगे यार, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ करेगा, ठीक है, लेकिन हुआ करेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग इट। अब इजाज़त। गेटकीपर, गेटकीपर दरवाज़ा अच्छे से बंद करना।